नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है टीजीटी पीजीटी कला को समर्पित है और मूल रूप से आज हम लोग देखेंगे पाब्लो पिकासो को, घनवाद को, और साथ ही साथ घनवाद में दो तीन लोगों का नाम आता है। पिकासो का आता है, ब्राक का आता है, ये दोनों लोग जो है घनवाद के जनक हैं। तो जॉर्ज ब्राक को भी हम लोग एक साथ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक और जो है घनवाद, ये तीनों एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। घनवाद की अगर बात करते हैं बेटा, तो घनवाद मूल रूप से 1907 में इसका उदय होता है। घनवाद किस देश में शुरू हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्पेन में शुरू होता है, स्पेन फ्रांस में मूल रूप से घनवाद का उदय होता है। घनवाद के जनक के रूप में कौन फेमस है, तो पिकासो और ब्राक, ये दोनों नाम आपको सदैव याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहां से खूब पूछा जाता है। 1908 में घनवाद का प्रयोग किया था किसने, तो लुईस वासेल ने सबसे पहले 1908 में मूल रूप से घनवाद का प्रयोग किया था। 1907 में स्थापना होती है और 1908 में मूल रूप से लुईस वासेल घनवाद का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। 1907 में ही घनवाद का प्रथम चित्र अवेनवियो की स्त्री किसने बनाया था बेटा, तो पाब्लो पिकासो ने ही बनाया है। अवेनियो की स्त्री मूल रूप से, या फिर अवेनियो की स्त्रियाँ किसने बनाया है, तो पाब्लो पिकासो ने ही बनाया है। पाब्लो पिकासो, पाब्लो रुइथ पिकासो इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। सर्वप्रथम घन का अनुभव किसने किया था, तो बेटा सर्वप्रथम घन का अनुभव जो है मूल रूप से पाल सेजान ने किया है, पाल सेजान ने। घनवादियों की आकृतियों को कैसा रूप दिया जाता था, तो बेटा घनवादियों ने जो आकृतियाँ बनाई हैं वो कोणात्मक आकृति बनाते थे, इस टाइप से या फिर इस टाइप से, कुल मिला के कोणात्मक आकृतियाँ बनाया करते थे। अगली बात होती है घनवाद के सभी चित्रों में आकार कैसा रहा है, तो सभी चित्रों में ज्यात्मक आकृतियाँ रहेंगी। क्यों? क्योंकि कोणात्मक आकृतियाँ बनती थी, तो चाहे इस साइड से बने, इस साइड से बने या फिर इस साइड से बने, ये ज्यामिति का ही प्रयोग होता था। तो ज्यामिति चित्रकला में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं घनवादियों को कहा जाता है, तो बेटा घनवादियों को क्या कहा जाता है, रूप का कातिल। रूप का कातिल मूल रूप से किसकी उपमा है, घनवादियों की उपमा है। घनवाद का अंत कब होता है, तो 1907 में इसकी स्थापना होती है, 1925 में इसका अंत भी हो जाता है, याद रखना है। घनवाद की प्रेरणा किससे मिलती है, तो फाववाद और जो है निग्रो कला से मूल रूप से घनवाद प्रेरित था, और इसीलिए घनवाद की स्थापना 1907 ईस्वी में जो है पिकासो और ब्राक ने की थी। कहाँ पे की थी, स्पेन में की थी, स्पेन फ्रांस। नेक्स्ट, घनवाद मुख्यतः किस दृष्टिकोण की कला है, तो बेटा जड़वादी कला मानी जाती है घनवाद, याद रखना है। घनवादी चित्रकार पुस्तक किसने लिखा है, तो घनवादी चित्रकार के पुस्तक मूल रूप से ओपोलिनेयर ने लिखा है, ओपोलिनेयर। नेक्स्ट, लेखक ओपोलिनेयर ने घनवाद का जनक किसे माना है, तो कुर्बे साहब को माना है, कुर्बे, ठीक है। जबकि कुर्बे का नाम यहाँ नहीं चलता था, लेकिन जो है लेखक हैं अपोलिनेयर, इन्होंने मूल रूप से कुर्बे को ही इसका जनक मान लिया है। घनवादी कलाकृतियों को किस रूप में देखते हैं, तो बेटा घनवादी जो है कलाकृतियों को मूल रूप से कैसे देखते हैं, घन और शंकु के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि जानते होंगे कोणात्मक यहाँ रूप दिखाई देते हैं और ज्यामितीय प्रयोग ज़्यादातर होते हैं, इसलिए इसे घन और शंकु के रूप में लोग देखते रहते हैं। घनवाद के चित्रों का विषय क्या रहा है, तो घनत्व और विस्तार मूल रूप से घनवाद के चित्रों का मुख्य विषय रहा है, घनत्व और विस्तार। आगे, घनवाद की अंतिम कृति कौन सी है, बेटा तीन नर्तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीन नर्तक किसकी रचना है, पाब्लो पिकासो की है। घनवाद का अंत भी 1925 में होता है, 1925 में तीन नर्तक को मूल रूप से पाब्लो पिकासो ने बना दिया था। डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं और क्या कहा जाता है, तो घनवाद के चित्रकार थे कौन कौन, पाब्लो पिकासो, ब्राक, फर्नालेंजे या फिर ग्रीन हाउस, तो ये चार लोगों का नाम आता है, हान ग्रीस, फर्नालेजा, पिकासो और ब्राक, मूल रूप से चार चित्रकार जो है घनवाद के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। आगे बात करते हैं घनवाद को कितने भागों में बांटा गया है, बेटा तो इसे दो भागों में बांटा गया है, विश्लेषणात्मक घनवाद और जो है संश्लेषणात्मक घनवाद, दो भागों में इसे विभाजित किया जाता है। संश्लेषणात्मक घनवाद की शुरुआत किसने की है, तो ये पिकासो ने किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक घनवाद का समय क्या रहा है, तो 1907 से 1914 तक जो है विश्लेषणात्मक घनवाद रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पाब्लो पिकासो की, तो पाब्लो पिकासो 1981 नहीं 1881 से 1974 तक मूल रूप से इनका कार्यकाल रहा है। 1881 में इनका जन्म होता है और 1974 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पाब्लो पिकासो का पूरा नाम क्या है बेटा, तो पाब्लो रुइथ पिकासो इनका पूरा नाम होता है। पिकासो का जन्म कहाँ पर होता है, तो स्पेन में होता है। ये डाटा कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है,
स्पेन में पाब्लो पिकासो का जन्म होता है, 1881 का समय होता है। पिकासो के पिता क्या करते थे बेटा? तो पाब्लो पिकासो के जो पिता थे वो होते रुइस, इनका नाम था होसे रुइस, और ये मूल रूप से एक जो है शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। घनवाद के जो है प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो पाब्लो पिकासो ही घनवाद के प्रवर्तक होते हैं। आप जानते होंगे घनवाद को 1907 में इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था स्पेन में। अविनियो की स्त्री, ये डाटा बहुत पूछा गया, अविनियो की स्त्री किसने चित्रित किया है? तो ये भी पाब्लो पिकासो ने ही चित्रित किया है, डाटा आप एक बार देख लीजिए, ये है अविनियो की स्त्री, ठीक है। आगे पिकासो के पिता क्या करते थे? हमने पहले ही बताया कला अध्यापक थे। पिकासो की माता का नाम क्या है? तो मारिया पिकासो, मूल रूप से मारिया पिकासो रुइस इनकी माता का नाम है। पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो का पूरा नाम क्या है? पाब्लो रुइस पिकासो। आगे बात करते हैं पाब्लो पिकासो की पत्नी का नाम क्या है? तो ओल्गा, मूल रूप से इनकी पत्नी है ओल्गा, और पिकासो के चित्रकार के अलावा थे कौन? तो जो है चित्रकार के रूप में फेमस रहे हैं, साथ में मूर्तिकला के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ भी इन्होंने बनाई है। आगे बात करते हैं तो पिकासो द्वारा बनाया गया घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा है? तो बेटा पहला चित्र जो है इन्होंने बनाया है वो अविनियो की स्त्रियों को ही बनाया है, वो 1907 में चित्रित किया है। पिकासो द्वारा बनाया गया घनवाद का अंतिम चित्र कौन सा है? तो ये तीन नर्तकी हैं, मूल रूप से 1925 में बनाई जाती है, 1907 में आप जानते होंगे घनवाद जो है एस्टेब्लिश होता है, 1925 में इसका अंत हो जाता है तीन नर्तक के साथ ही। पिकासो ने कुल कितनी कलाकृतियां बनाई हैं? पिकासो ने कुल मिलाकर के कितनी कलाकृतियां बनाई हैं? तो 200,000 कलाकृतियों को बनाने का कार्य जो है पाब्लो पिकासो के पास रहा है। इसीलिए जो है पाब्लो पिकासो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे TGT हो, PGT हो, KBS हो, कहीं भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये सिलेबस में रहें ना रहें लेकिन क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे पिकासो द्वारा बनाया गया कोलाज का प्रथम कृति कौन सा है? बेटा कोलाज की पहली प्रकृति जो है कौन सी है? तो वेद की कुर्सी पर वस्तु समूह जो है बनाया गया है पाब्लो पिकासो के द्वारा, 1912 में मूल रूप से इसका कारनामा किया गया है पाब्लो पिकासो के द्वारा। आगे बात करते हैं पाब्लो पिकासो के चित्रों को कितने काल में बांटा गया है? तो इसे दो काल में बांटा गया है, एक नीला काल, एक गुलाबी काल, ठीक है, एक नीला काल और एक गुलाबी काल, दो कालों में पाब्लो पिकासो के चित्रों को बांटा गया है। पिकासो के नीले काल का समय क्या रहा है? तो 1901 से 1904 तक मूल रूप से नीला काल रहा है, और उसके बाद जो है आप जानते होंगे गुलाबी काल आ जाता है। पिकासो के नीले काल के चित्रों का भाव क्या था, उसका भाव क्या था? तो मानवीय दुख मूल रूप से इनके चित्रों का मुख्य भाव रहा है। विद्यालय की लड़की मूल रूप से किसने चित्रित किया है? विद्यालय की लड़की पिकासो ने ही चित्रित किया है, याद रखना है। पिकासो के गुलाबी काल का समय क्या रहा है? तो 1905 से 1906 मूल रूप से पिकासो के गुलाबी काल का समय रहा है, जबकि अभी हमने देखा है कि पिकासो के नीले काल का समय क्या रहा था? तो 1901 से 1904 तक मूल रूप से नीले काल का समय रहा था। पिकासो के गुलाबी काल के चित्रों का भाव क्या रहा है बेटा? तो निराशा और समर्पण, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुलाबी काल का जो है भाव कैसे दिखाई देता था? तो निराशा के साथ दिखाई देता था, और समर्पण भी दर्शाया गया है। 1901 में युवा कला नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की है? तो युवा कला नामक जो पत्रिका है 1901 में प्रकाशित होती है, पाब्लो पिकासो के द्वारा ही प्रकाशित होती है। डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं संश्लेषणात्मक घनवाद में बनाया गया जो चित्र है वो कैसा है? तो ज्यामितीय आकार में दिखाई देता है। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, पूछा गया है मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, यह वचन किसने कहा है? तो पाब्लो पिकासो ने ही कहा है कि मैंने किसी शैली को जो है नहीं अपनाया है, मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, अपने आप को मानते हैं कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, यह कथन पाब्लो पिकासो का ही है। 1910-11 में पिकासो व ब्राक के घनवाद को कहा जाता था, बेटा 1910 और 11 में पिकासो और ब्राक के घनवाद को क्या कहा जाता था? तो परिसीमित घनवाद कहा जाता था, परिसीमित घनवाद। नेक्स्ट, घनवाद की 20वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण देन क्या होती है? तो घनवाद की 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण देन जो मानी जाती है वो रचना संबंधित सिद्धांत माने जाते हैं, रचना संबंधित सिद्धांत माने जाते हैं। पिकासो के चित्रों का प्रिय विषय क्या रहा है? शाण युद्ध रहा है। पिकासो के ज़्यादा चित्र जो है कैसे रहे हैं? शाण युद्ध के टाइप के दिखाई देते हैं। शाण युद्ध किस देश का प्रमुख खेल माना जाता है? शाण युद्ध किस देश का प्रमुख खेल माना जाता है? तो स्पेन का, इसीलिए इसे जो है राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इजिप्शियन शैली का चित्रकार कौन है? तो बेटा इजिप्शियन शैली को मूल रूप से पाब्लो पिकासो ने ही जो है अपनाया है, ऐसा माना जा रहा है। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन सा फेमस है? बेटा अपने पिंक पीरियड के लिए, गुलाबी पीरियड के लिए कौन जो है प्रसिद्ध चित्रकार है जो फेमस है? तो मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, पाब्लो पिकासो नाम है, पाब्लो रुइस पिकासो इनका पूरा नाम है। पिकासो की मृत्यु कब होती है? बड़ा डाटा पूछा गया, मृत्यु कब होती है पाब्लो पिकासो की जो है मृत्यु कब होती है? तो 1974 में होती है, ये 1774 लिखा हुआ है, 1974 करिए बेटा इसे, 1974 में मूल रूप से इनकी मृत्यु होती है, 1974
1774 में पाब्लो पिकासो की मृत्यु होती है, 20वीं शताब्दी स्टार्ट है उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक इनका बहुत फेमस नाम है ग्वेर्निका। आइए देखते हैं पिकासो ने ग्वेर्निका नामक चित्र कब बनाया था। 1937 में बनाया गया। क्वेश्चन सीधा सीधा छपा है। पिकासो की कला का चरमोत्कर्ष चित्र कौन सा है बेटा? तो सबसे चरम पे ग्वेर्निका ही गई थी, याद रखना, 1937 में बनाए थे ये। और आगे पूछा जाता है ग्वेर्निका किस रंग में बनाया गया है? तो बेटा नीले रंग में भी बनाया गया है, ये भी याद रखना है। और ग्वेर्निका चित्र को पिकासो ने कितने शैलियों में बनाया है? तो तीन शैली, कौन कौन सी? घनवाद, अति यथार्थवाद और जो है अभिव्यंजनावाद। तो घनवाद, अति यथार्थवाद और अभिव्यंजनावाद में तीनों शैलियों में मूल रूप से ग्वेर्निका को चित्रित किया है 1937 में। आगे बात करते हैं तो पिकासो का चित्र जो है ग्वेर्निका किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है? तो बेटा न्यूयॉर्क संग्रहालय में मूल रूप से ये सुरक्षित रखा हुआ है ग्वेर्निका चित्रण। ग्वेर्निका का आकार क्या है? तो 11.5 इंच से 25 इंच, यानी 11.5 से 25.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में मूल रूप से यह पाया जाता है। ग्वेर्निका चित्र का अंकन हुआ है कहाँ पे? प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास किया गया है। ग्वेर्निका चित्र में घोड़ा प्रतीक है किसका? घोड़ा मूल रूप से जनता का प्रतीक बताया जाता है। आगे कहा गया है जर्मन तानाशाही आक्रमण द्वारा किया गया स्पेन में सीमावर्ती गांव का ध्वंसक चित्र किसके विषय में बनाया गया है? तो बेटा वो ग्वेर्निका के जो है चित्रण में ही दर्शाया गया है। पिकासो का चित्र अविंतियों का स्त्री सेजान के किस चित्र से तुलना की गई है? तो बेटा अविंतियों का स्त्री जो बनाया गया है वो सेजान के स्नान मंगनाएं जो है चित्र है किसका? सेजान का है, उससे जो है तुलना किया गया है। अविनियों की स्त्री किसने बनाया है? पिकासो ने बनाया है, जबकि सेजान का क्या है? स्नान मंगनाएं मूल रूप से चित्रण है किसके? सेजान के। इन दोनों का तुलना आपस में किया गया है। आगे बात करते हैं तो 1952 में बालोरी गिरजाघर में दो विशाल भित्ति चित्रण युद्ध और शांति विषय पे किसने बनाया है? तो युद्ध और शांति विषय पे चित्रण कहाँ पे हैं? बालोरी गिरजाघर में हैं, पिकासो के द्वारा बनाए गए। कब बनाए गए? 1952 में बनाए गए। आगे वीर एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लियो टॉलस्टॉय का जो है फेमस ग्रंथ है माना जाता है। लियो टॉलस्टॉय ने वार एंड पीस नामक पुस्तक को लिखा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किन दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंग और तकनीकी रंग का समावेश अपने चित्रों में खूब दर्शाया है? तो बेटा पिकासो और ब्राक दोनों ने ऐसा काम खूब किया है। आगे बात करते हैं तो कहा गया है बुद्धिमान जीनियस कहा जाता है। तो बुद्धिमान जीनियस किसे कहा जाता है? पिकासो को ही कहा जाता है। पिकासो की कुछ खास खास चित्र हैं, उन्हें आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना है। जैसे अभिनियों का स्त्री, अभिनियों की स्त्रियां मूल रूप से 1907 में बनाया है। नटवा गोल, अग्निपरीक्षा मूल रूप से 1910 में बनते हैं। अग्निपक्षी मूल रूप से कब बनाए हैं? 1910 में बनाए हैं। बुद्ध युग कब बनाए हैं? ग्वेर्निका 1937 में बनाते हैं। गायक इनका फेमस चित्रण है। तीन स्त्रियां 1909 में बनाते हैं बेटा, किसके? पिकासो के हैं, याद रखना है। बसंत पूजा 1912 में चित्रित करते हैं। वायोलिन वादक 1911 में चित्रित करते हैं। भिखारी मूल रूप से चित्रण इन्हीं का है। और जो है परियक्तता मूल रूप से किसका है? ये भी पाब्लो रुय्यो पिकासो का ही है। सर्कस के विदूषक मूल रूप से किसका चित्रण है? तो ये भी पाब्लो पिकासो का ही चित्रण है। गायक हो गया, स्त्री करने वाला हो गया, नटका परिवार हो गया, ये सब चित्रण किसके हैं? तो ये सब पाब्लो पिकासो के ही हैं। तीन नर्तक 1925 में चित्रित करते हैं। तीन वादों को भी पाब्लो पिकासो के द्वारा चित्रित किया जाता है। भांड का परिवार हो गया, श्वेत वस्त्र पहने स्त्री हो गई, साथ में स्वप्न हो गया, स्वप्न भी पाब्लो पिकासो का ही है। और तीन वादक हो गए, सांड की लड़ाई हो गई, युद्ध व शांति हो गया, जीवन का आनंद हो गया, आराम कुर्सी पर बैठी महिला चित्रण किसका है? ये भी पाब्लो पिकासो का है। और गिटार, खोपड़ी व समाचार पत्र मूल रूप से किसके चित्रण हैं? तो ये भी जो है पाब्लो पिकासो के ही चित्रण माने जाते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, स्मरणीय बिंदु है पिकासो की मूर्तियां कौन कौन सी, आप जानते होंगे। पिकासो मूर्तिकार के रूप में भी फेमस रहे हैं। तो मजाकिया एक मूर्ति इनकी आती है 1905 में, मजाकिया मूर्ति आती है 1905 में, पाब्लो पिकासो की मूर्ति है। धातु की रचना है, ये भी 1930 में चित्रित करते हैं, ये मूर्ति है। मुर्गा है, ये 1932 में बनाया जाता है पाब्लो पिकासो के द्वारा। बकरी है, बिल्ली है, बिल्ली को जो है 1914 में चित्रित करते हैं। और भेड़ वाला आदमी जो है मूल रूप से 1943 में चित्रित करते हैं। ये सारी मूर्तियाँ हैं, भेड़ वाला आदमी, धातु की रचना, मजाकिया, मुर्गा, बकरी, बिल्ली मूल रूप से पाब्लो पिकासो की मूर्तियां हैं।
आगे बात करते हैं, देख लेते हैं जॉर्ज ब्राक के बारे में। जॉर्ज ब्राक आप जानते हैं 1882 में इनका जन्म होता है, 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज ब्राक, आइए देखते हैं जॉर्ज ब्राक के बारे में। जॉर्ज ब्राक का जन्म हुआ था कहाँ पे बेटा, पेरिस में होता है 1882 में, अर्जेंटुआल में। अर्जेंटुआल पेरिस में मूल रूप से जॉर्ज ब्राक का जन्म होता है। ब्राक द्वारा बनाया गया पहला घनवादी चित्र कौन सा है, तो विवस्त्र आकृति मूल रूप से 1908 में जॉर्ज ब्राक के द्वारा बनाया गया था। कोलाज पद्धति का आविष्कारक किसे कहा जाता है, कोलाज पद्धति का आविष्कारक मूल रूप से ब्राक को ही कहा जाता है, जॉर्ज ब्राक को ही माना जाता है। कोलाज होता क्या है बेटा, तो कागज और कपड़ों के रंगीन टुकड़ों को चिपका करके चित्र बनाया जाता है, उसे कोलाज कहा जाता है। छोटे छोटे कतरनों को आपस में जोड़ दीजिए, उसी को कोलाज कहा जाता है। आगे कहा गया है किस चित्रकार ने पहली बार अपने चित्रों में अक्षर का प्रयोग किया, तो बेटा ब्राक ने सबसे पहले अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में दर्शाना स्टार्ट किया था 1911 में, ऐसा कारनामा इन्होंने किया है। आगे बात करते हैं, तो ब्राक ने नर्मदा के सागर तटों पर कई रेखा चित्रण कब बनाया, तो बेटा नर्मदा के सागर तटों पर मूल रूप से कई रेखा चित्रण बनाए हैं 1929 में, किसने, जॉर्ज ब्राक ने, ऐसा कारनामा किया है। ब्राक ने कनेफोरस ऋतु और संपन्नता के देवता की सीरीज कब बनाई है, तो कनेफोरस और ऋतु और संपन्नता के देवता को मूल रूप से 1922 में इन्होंने चित्रित किया है। ब्राक ने बहुत से विषय वस्तुओं पर चित्र कब बनाए हैं, तो 1931 और 1938 के मध्य मूल रूप से बहुत सारी विषय वस्तुओं पर चित्रण का काम इन्होंने कर दिया है। स्मरणीय बिंदु आता है जॉर्ज ब्राक के प्रमुख चित्रों के, तो उसे आपको सदैव दिमाग में बिठा के रहना है, जैसे विवस्त्र स्त्री हो गया, किसकी रचना है, जॉर्ज ब्राक की है। सूर्य का रथ 1952 में जॉर्ज ब्राक ने बनाया। गोलमेज वस्त्र समूह, इस भी जो है जॉर्ज ब्राक ने बनाया है। बिलियर्ड की मेज हो गई, वास का खेल हो गया, द्वंद्वगान हो गया, फलों की थाली व गिलास हो गया, संगमरमर की मेज हो गई, अहंकार हो गया, खड़ी महिला हो गई, मूल रूप से कनेफोरस हो गया, और लाल मेज पोस्तों पर समूह जो है, ऐसा दृश्य चित्रण किसने किया है, तो ये सारे चित्रण मूल रूप से जॉर्ज ब्राक के रहे हैं। तो जॉर्ज ब्राक जन्म आप जानते हैं पेरिस में हुआ है, कोलाज के आविष्कारक माने जाते हैं, विवस्त्र स्त्री इनका फेमस रचना है। पिकासो की मूर्तियाँ क्या क्या हैं, बकरी, बिल्ली, मुर्गा, धातु रचना, मजाकिया, भेड़ आदमी, ये सब होता है। तीन स्त्रियाँ, गैरनिका, स्त्री करने वाला, तीन वादक, तीन नर्तक, मूल रूप से तीन शब्द ज़्यादा जुड़ा हुआ है पाब्लो पिकासो का है। गैरनिका 1937 में बनाते हैं। घनवाद आप जानते होंगे 1907 में जन्मता है, स्पेन में, फ्रांस में। जनक कौन है, पाब्लो पिकासो और ब्राक हैं। तो ये सब डाटा आपको सदैव याद रखना होगा बेटा, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।